अब हरियाणा रोडवेज की बसें पूरी यात्री क्षमता के साथ चलेंगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में अब हर सीट पर यात्री बैठेंगे। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पंजाब की तरह हरियाणा में भी रोडवेज बसें सभी सीटों पर यात्री बैठाकर ही सड़कों पर दौड़ेंगी। कोरोना के कारण 14 मई से सवारियां लेकर चल रही बसों में अब सभी 52 सीटों पर यात्री नजर आएंगे। किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। हरियाणा सरकार इसके साथ ही अन्य राज्यों के लिए भी रोडवेज की बस सेवाएं शुरू करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि परिवहन निदेशालय ने इस संबंध में सभी रोडवेज महाप्रबंधकों को आदेश जारी कर दिए हैं। रोडवेज की मिनी बसों में सभी सीटों पर यात्री बैठाए जा सकेंगे। यात्रियों को निर्धारित स्थानों पर आने जाने में परेशानी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अन्य बसों को भी सड़कों पर उतारा जाएगा। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवहन सचिव को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बस में प्रत्येक यात्री मास्क पहने व हाथों को सैनिटाइज करे। हरियाणा रोडवेज की बसें अभी 2 राज्यों में चल रही हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ के लिए बस सेवा शुरू करने के लिए पड़ोसी राज्य के परिवहन अधिकारियों से फिर संपर्क साधा गया है। फिलहाल हरियाणा रोडवेज की 150 बसें राजस्थान व उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जा रही हैं। बताते चले कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रोडवेज को फुल कैपेसिटी के साथ सवारियां भरने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आज करनाल के बस स्टैंड पर बसों का आगमन जारी रहा, जिसमें सवारियां सीटों के हिसाब से बिठाई गई। यहां हम आपको बता दें कि पहले हरियाणा रोडवेज की बस में 28 से 30 सवारियां बिठाने की इजाजत थी, परंतु सरकार द्वारा सभी सीटों पर सवारियां बिठाकर ले जाने के निर्देश दे दिए गए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ के नेताओं ने बताया कि रोडवेज की बसें पहले भी लोगों को सेवा के लिए तत्पर थी और अब भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहेगी। उन्होंने कहा कि सवारियों की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिसके चलते सवारियों को मास्क लगाना एवं सैनिटाइज करना आवश्यक किया गया है। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सरकार का जो लेटर आया कल हरियाणा सरकार का, डीजी साहब का, भी सभी रूटों पर सवारियों को देखते हुए, जैसे जनहित को देखते हुए, जैसे भी सवारी की सुविधा के लिए आएंगे, जैसे सवारी आएंगे जिस रूट की, उसी रूट पर गाड़ियां भेजी जाएंगी। तो हमारी गाड़ियां तो पहले भी चल रही थी लॉकडाउन में, सरकार की सेवा में, जनहित की सेवा में, और अब जैसे लेटर आया तो हम पूरे अपने सावधानियां रखते हुए पूरी गाड़ियां चलाएंगे। सर, क्या फैसला है इसमें सवारियों को लेकर, क्या हिदायतें दी गई हैं? सवारियों को लेकर भी सैनिक अपना मास्क लगाएं, सैनिटाइजर साथ रखें, हाथ धोएं अपना, और जैसे ही हमारे ड्राइवर कनेक्टर रूट पे जाएंगे उनको भी सैनिटाइजर मास्क अलाउड किया है भाई। यहाँ अपना गाड़ियाँ भी सैनिटाइजर होके जाती हैं मार्ग पर, तो सेफ्टी में ही सेफ्टी रखने से ही सेफ्टी रहेगी। सरकार कब तक करेगी, जनता अपना खुद ख्याल रख सकती है, खुद ख्याल रखे। मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है जनता से कि अपना सेफ्टी खुद रखें और अपना सफ़र अपने हिसाब से करें। सर, पहले बस में आधी सवारी बैठती थी, पूरी बैठेंगी, तो यात्रियों से क्या कुछ अपील करेंगे, किस तरह से यात्रा करेंगे? यात्रियों से मेरी यही अपील है कि जैसे अपने बचाव में ही, मैंने बोला आपको अपने बचाव में ही है, मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क बहुत ज़रूरी है। जब भी गाड़ी में आप चढ़ें तो मास्क आपका अनिवार्य है, मास्क जरूरी है। मेरी यही प्रार्थना है बार बार भी, जो भी यात्री यात्रा करने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.